तो आज की हमारी क्लास में हम वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग पे डिस्कस कर रहे हैं और वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ। जी हाँ, नेस्टेड इफ। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक सेल्स है और सेल्स के अंदर हम यहाँ पे देना चाहते हैं 0 to 40 हो तो 500, 500, 41 to 80 हो तो 1000 और 81 to 100 तो 2000। और ग्रेटर देन 100 to 500, ये हमारा बी में आईएनसी यहां होना चाहिए। तो इसके लिए हम सब्जेक्ट और यहाँ पे इफ अंडरस्कोर वन ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं और इसमें लगाते हैं सबसे पहले तो लूप। ये सबसे वेरिएबल डिफाइन करेंगे ना कि डिम आर कॉमा सी एज ए लॉन्ग और फिर फोर फोर आई इक्वल टू चले 2 2 और यहां हम अपना लास्ट जो है 17 कर देते हैं 17 और नेक्स्ट हाई। फिर यहां हम सी के ऊपर लोड करते हैं रेंज एक ये नहीं हाँ बी होगा हम बी के साथ आई डॉट वेर। अब मुझे यहां इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन लिख रहे इसके अकॉर्डिंग यहां पे चाहिए रिजल्ट। तो यहां हम करते हैं कि इफ सी इज लेस देन इक्वल टू 40 देन हमने बोला कि रिजल्ट जो है 500 हो जाएगा। फिर यहां एल्स लगा रहे हैं हम, ठीक है, एल्स नहीं एल्स के साथ इफ, क्योंकि दूसरा कंडीशन देना है लेस देन इक्वल टू 80 हो देन आर इक्वल टू 1000 फिर एल्स इफ सी इज लेस देन इक्वल टू 100 देन आर इक्वल टू 2000 फिर एल्स इफ सी यहां पे सी इज ग्रेटर देन 1100 देन आर इक्वल टू 5000। लास्ट में हमने कर दिया एंड इफ और फिर करते हैं रेंज सी के साथ आई को कंबाइन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आर। ठीक है सर। सर ए और बी होना चाहिए, बी और सी की बजाय ना कॉलम। हाँ बी होना चाहिए, बी में ऑलरेडी कंडीशन और यहाँ बी नहीं यहाँ पे ए होना चाहिए। ठीक है सर। अब ठीक है अब यहाँ पे रन करते हैं। देखा तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरह की जब स्लैब होती है हमारी तो उस स्लैब में हम एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि आप चाहते हो कि मेरा दूसरा इफ कब चले, जब हमारा पहली इफ फॉल्स दे। ठीक है कि दूसरा इफ कब चले, जब हमारी पहली इफ क्या हो, फॉल्स हो, तब ये दूसरा इफ चले, अदरवाइज दूसरा इफ ना चले। समझ गए? क्लियर सर? क्लियर सर। अब आपके पास अगर कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन में है, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम लगाते हैं आपका केस। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस होते हैं और में एंड में क्या बिटवीन में, तो उस केस में करते हैं। तो सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज देन लगाते हैं फॉर्मूला फोर
आई इक्वल टू, चले सेम ऊपर जो हम लिया हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ऊपर जो चल रहा है उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। राइट, अब इसमें इसको हटा देते हैं, यहां में देना, यहां हम देंगे सिलेक्ट सिलेक्ट केस किसके साथ, तो हम बोला सी के साथ। अब यहां लिखेंगे कि केस 0 to 41, ठीक है, तो आर इक्वल टू 500, केस 0 0 41, माफ कीजिएगा, 41 to 80, तो सर यहां पे सर आर 42 इक्वल होनी चाहिए ना टू, सर, फोर्टी नहीं यहाँ 40 करना है, यहाँ 41 आ गया, यहाँ 40 होना चाहिए। ओके तो क्या है, कीबोर्ड चेंज किया है ना सर, तो थोड़ा सा हाथ, छोटा कीबोर्ड लिया हूँ वायरलेस, तो थोड़ा हाथ बैठ रहा है, पहले बड़े बहुत बड़ा टीवीएस वाला कीबोर्ड था, तो उसकी हैबिट थी सर 10 12 साल से, 12 साल 13 12 13 से चला है सर टीवीएस कीबोर्ड। हाँ वही सही मैकेनिकल वाला ना वो सही रहता है, उसको हाँ अब ये मैंने बैटरी में लिया है, तो क्या इसकी की थोड़ा छोटे है ना, धीरे धीरे हाथ बैठ रहा है। केस 81 to 100, वो लैपटॉप के साथ फ्री दिया है सर, तो यहाँ पे केस इज ग्रेटर देन 100, सो आर इक्वल टू 5000, और लास्ट में करेंगे एंड सिलेक्ट, समझ गए। तो इसमें फायदा क्या हुआ, इसमें इस तरह से अब मान लीजिए इसी को लगाना है, 41 to 80 करना होगा तो आपको एंड लगाना होगा, बट यहाँ सिंपली आपने लिख दिया। और चलिए मेरे पास क्या है कि हमें कुछ सिलेक्टेड है कि भाई ये होगा ये होगा, तो ये देंगे हम, मतलब कि कुछ सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे दे दीजिए केस हमने लिख दिया कि भाई 50 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, 75 हो, तो आर इक्वल टू 500, 800 सॉरी, समझे। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है इसके लिए, और लगाना पड़ता, यहां पे आपने सिंपली दे दिया, समझ गए। तो किसी को डाउट केस में, तो हमने यहां पे इफ जो है खत्म कर लिया, राइट, इफ की जो चीजें हैं हमने यहाँ पे खत्म कर ली, कल से हम लूप शुरू करेंगे, तो इसको अच्छे सर ये तरीके से रन आप करके दीजिए ना, जी ये वाला 2 नंबर वाला रन कीजिए ना, हाँ नहीं सेम ही आएगा, दीजिए वो बी आएगा, कॉलम क्लियर करके ना। देखो सब चीज सेम है, 800 आ गया, 50 में 800 आ गया, 50 में 800 आ गया सर, बाकी सेम है आपका, ठीक है। ओके सर ये सब कोड क्या है ना, फुल प्रूफ है सर, इसमें गलती होने के चांस ही नहीं होता है, ठीक है। तो आज की कोड मैंने आपको भेज दी है, कल हम मिलते हैं इसी टाइम, और कल हम बात करेंगे लूप के ऊपर, तो कंडीशंस आपकी खत्म हो गई, अब आप लोग कुछ प्रोजेक्ट करना चाहेंगे या लूप में फॉरवर्ड होना चाहेंगे आप बता दीजिएगा, ठीक है सर।